हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद मुशफिक अली। मैं उदयपुर में ही पैदा हूँ, उदयपुर में ही रहता हूँ, पूरी फैमिली यही रहती। मेरे फादर का नाम सैयद अशफाक अली, मेरी मदर सैयद नफीस अली, हम यही रहते हैं। मेरा छोटा भाई भी है, मेरी वाइफ है, इसका नाम हिना खान नाम है, और एक छोटा लड़का जुल्लू रहने का। हम जॉइंट फैमिली है, हम सब साथ ही रहते हैं उदयपुर में ही। बॉम बेटा मम्मी यही सर यहीं कही, मेरी शादी भी उदयपुर में ही हुई है, हम सब यहीं रहते हैं। पापा का छोटा सा बिजनेस है तो वो करते हैं और सब साथ रहते हैं। मैंने कॉलेज उदयपुर से करा, राजस्थान विद्याफीठ से, तो उसके बाद मैंने भी वोडाफोन आइडिया कंपनी ज्वाइन की थी सेल्स के हिसाब से। वहाँ पे वो पोस्टपेड कनेक्शन के साथ हम काम करते थे वहाँ पे। देन आफ्टर मेरे फादर की तकलीफ हो गई थी तो मैं फादर का वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया था। मैंने 2-3 साल में फादर का वर्कशॉप में ही काम करा, मैंने उनके साथ का उनकी हेल्प करी, वो भी मैंने काम सीखा, क्योंकि वो भी एक हुनर है। फादर का भी काम सीखना बहुत ज़रूरी था। एज ए पापा का लेथ मशीन का वर्कशॉप है, खानदान में पापा का काम है, अच्छा काम है, तो वो भी मैंने सीखा। देन आफ्टर कुछ ज़रूरत पड़ी, शादी हो गई थी मेरी, ज़रूरत थी कुछ का था, तो फिर मैंने अर्बन स्क्वायर में इंटरव्यू दिया था, फिर मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। 2017 से मैं अर्बन स्क्वायर के साथ जुड़ा हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर कंपनी के अंदर, और अच्छा काम कर रहा है, और मैं वहीं से आज भी वहीं उनके साथ कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल का टाइम था जब मैं वोडाफोन आइडिया ज्वाइन किया था, उसी बीच 8 या 9 महीने हुए थे, मेरे फादर का हार्ट अटैक आया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। तो देन आफ्टर उस टाइम हम गए थे हॉस्पिटल, तो इलाज विलाज करा। उस टाइम एक्चुअली हमारे घर का काम भी चल रहा था, तो सारा पैसा उसमें लग चुका था, पेमेंट कुछ था नहीं हमारे पास, घर थोड़ा लोन भी ले रखा था, फिर पेमेंट की जरूरत थी, फिर पापा के पेसमेकर लगाया था, तो उस टाइम 3-3.5 लाख का खर्चा था। फिर भी कहीं से ना कहीं से ला के पेमेंट, ऑपरेशन कराया, सब कराया, सब अच्छा हो गया, सब था। बट जिनका पेमेंट लिया उनको देना भी था, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे प्लस पॉइंट वही था मैं सीखने को, कि उससे पहले कभी एहसास नहीं हुआ पेमेंट का क्या वैल्यू होती है, पैसे की कहाँ जरूरत होती है, जरूरत होती। तो उस टाइम में ज़िंदगी मैंने सीखा पैसे की क्या जरूरत थी, कि कहाँ जरूरत पड़ती, क्योंकि पूरी फैमिली की सबसे बड़ा लड़का, लड़का मैं ही घर में हूँ, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी कही। तो उस टाइम में वो फैक्ट्री वर्कशॉप भी संभाला मैंने, यूँ भी करा, क्योंकि मेरे को छुट्टी चाहिए थी 15-20 दिन, तो वोडाफोन आइडिया ने दी नहीं थी, तो मैं छोड़ना पड़ी नौकरी। फिर मैंने अपना वर्कशॉप संभाला, फैमिली भी संभाली, पापा को भी संभाला। वो टाइम मेरा सबसे स्ट्रगल टाइम था, कि उस टाइम मेरे को सब संभालना था, फैमिली भी देखनी, पापा को भी देखना, छोटा भाई भी छोटा था, तो उस टाइम हमारी ज़िंदगी का सबसे स्ट्रगल टाइम था। फिर धीरे धीरे सर मैं वर्कशॉप संभालना सीखा, क्योंकि पापा के फ्रेंड है, उनके साथ उनका काम अच्छा रहा था, और पापा के साथ पापा ने उन्हें काम सिखाया, तो मैं मार्केट जाता, काम लेकर आता, थोड़ा उनसे करवाता, थोड़ा मैं करता। फिर थोड़ी पापा की तबीयत सही हो गई, तो पापा थोड़ा आके बैठते, फिर मुझे बताते ऐसे कर ऐसे कर ऐसे ऐसे कर करके हम थोड़ी लाइन धीरे धीरे वापस लाइन पर आई। फिर देन आफ्टर पापा की तबीयत अच्छी हो गई थी, सब बेटर था, तो मैंने भी जॉब कर ली थी, पापा भी कर रहे थे, फिर धीरे आज हमारी लाइफ अच्छी हो गई। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर मेरे फादर ने कहा, कि उन्होंने हमेशा मेरे साथ हर टाइम हेल्प करी, स्कूल टाइम था, कॉलेज टाइम भी था, उन्होंने कहा जो एजुकेशन पे दिया उसके भी ध्यान दिया, मुझे काम भी सिखाया, साथ सब चीज़ पे हेल्प किया। देन आफ्टर मैंने जॉब ज्वाइन करी थी 2017 में स्टार्टिंग अर्बन स्क्वायर मॉल में, उस टाइम हीनापति मैडम थी, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं सेल्स में फर्स्ट टाइम नया आया था अर्बन स्क्वायर में, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। मिस्टर अमित चड्डा जी ने मेरी हेल्प करी, शिवम खट्टर सर, इन्होंने सिखाया समझाया कैसे काम होता है, कि लोगों से रिलेशन बनाना करना, बात करना, इसके समझाना, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। इसी तरह मैं धीरे धीरे 30,000 आदमी काम में हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जब ज्वाइन हुआ था एस एच एग्जीक्यूटिव था। आज इन सब की हेल्प, इन सब की मदद से, पूरी कोशिशों से आज मैं कंपनी में सेल्स एरिया मैनेजर बन चुका हूँ। सब उन्होंने मेरा बहुत हेल्प करी। अगर कोई सेल्स मार्केटिंग टीम में आना चाहता है तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि सेल्स ऐसा काम है तो हर चीज़ को बेचना जरूर पड़ता है, कोई चीज़ बनती है उसे बेचना जरूरी है। तो उसकी सबसे चीज़ है मोटिवेशन, आपको किसी से बात करने का, रिलेशन बनाना सबसे चीज़ बेचना है, क्योंकि चीज़ बेचने से पहले आपका रिलेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चीज़ बेचना आसान होता है बट रिलेशन बनाना मुश्किल होता है, कि जब जब तक आप किसी से रिलेशन नहीं बनाओगे, किसी को समझो उन चीज़ बेचोगे कैसे, तो आप सबसे पहले रिलेशन बनाओ, कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है वो समझो, फिर आप चीज़ बेचो, ये बहुत जरूरी चीज़ होती है। तो रिलेशन, कस्टमर रिक्वायरमेंट सबसे मेन माना जाता है। अर्बन स्क्वायर मॉल राजस्थान में सबसे बड़ा मॉल है, फर्स्ट चीज़ इसे बहुत अच्छा मॉल बन रहा है, राजस्थान सबसे बड़ा मॉल बना रहे हैं हम, इसे मॉल के साथ एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो एक ही बिल्डिंग में सब चीज़ अवेलेबल हो जाए। सबसे मेन फोकस हमारा ये रहता है, क्योंकि हर इंसान मार्केट जाता है, एक चीज़ वहाँ मिलती है, एक चीज़ वहाँ मिलती है, इंसान परेशान होता है। हम मॉल में बना रहे ब्रांडेड के साथ लोकल मार्केट लेके आना, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, सिनेमा, होटल्स वगैरह सब चीज़, ताकि पब्लिक को परेशान ना हो, एक चीज़ जाए फटाफट इजीली मिल जाए, सब काम हो जाए। और हम कस्टमर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट करें हर चीज़ यहाँ यही चीज़ लेके आ रहे हैं, भले उसे 10 रुपये चीज़ चाहिए तो भी मिल जाएगी, 100 रुपये चीज़ तो मिल जाए, या 10,000 चीज़ मिल जाए, भले ब्रांडेड शोरूम हो, लोकल चीज़ चाहिए मिल जाए, A to Z, सिनेमा, गेमिंग जोन, फूड कोर्ट, A to Z, हम हर चीज़ एक ही बिल्डिंग में प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर मुझे कोई टाइम पीछे ही भेजता है तो मैं ये नहीं चाहूँगा, जो मैं हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पीछे जाने से सर
कोई अपन सोचते हैं कि अपन फ्यूचर के कुछ बनना चाहेंगे, बट वो अपने आगे लाइफ भी देखनी पड़ती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है जिंदगी जो चल रहा है वही सबसे बेटर होता है। वो बेटर लाइफ वही मान लीजिए कि अपन अपनी लाइफ खुद बनाते हैं, कुछ समझते हैं, पीछे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा नजरिया ये है। क्योंकि जिंदगी आग नहीं तो कल कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, अपन पीछे अगर कुछ चेंज करते हैं तो इन फ्यूचर कुछ आगे कुछ और भी हो सकता है। तो बेटर है जो लाइफ है वो है, वापस चलो और उसी को बेटर बनाओ। करीब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था, तब हम छोटे थे, कॉलेज फ्रेंड सॉरी स्कूल फ्रेंड थे मेरे, तो हमने सोचा कि हम आज स्कूल ना जाके स्विमिंग करने जाते हैं। तो हम पिछोला तालाब है उदयपुर में, बहुत अच्छा तालाब है, तो हम दोस्तों ने मिलकर हमने तो प्रोग्राम बनाया कि आजकल अपन स्विमिंग करेंगे, स्कूल ना जाएंगे। तो हम सब दोस्त गए, वहीं गए स्विमिंग करने चले गए थे। स्विमिंग कर रहे थे, 11 के 12 बज गई और स्कूल टाइम 1 बजे 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, उस दिन 1:30 बजे में पता ना चला। तो हम धीरे धीरे वैसे मिलकर चलो घर चलते हैं, तो किसी हमारे घर रिलेटिव ने हमें देख लिया कि एक जने के फ्रेंड के पापा ने कि ये स्कूल नहीं, यहाँ क्या कर रहा है। तो घर में उन्होंने शिकायत करी, पता चला ये स्कूल नहीं आया, तो मैं बहुत बुरी डांट पड़ी थी, बहुत बड़ा तो वो जिंदगी का सबसे मतलब एक्सपीरियंस पहले कि हमने क्या गलती करी थी, हमें आज भी वो याद होता है। तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है, रोना भी आता है। केरल में सबसे एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों एक्सपीरियंस होता है, कि एजुकेशन बहुत जरूरी चीज़ है, कि बिना एजुकेशन कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलता है, हर चीज़ का काम मिलता है, बट एजुकेशन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, कि एजुकेशन ही सिखाती है अपन आगे क्या बनना है। एजुकेशन से अपन चीज़ सीखने का मोटिवेट मिलता है, हर चीज़ मिलता है, कि चीज़ को कैसे समझने का कैसे करने का मौका मिलता है। एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चीज़ हो जाती है, क्योंकि अपन चीज़ जो समझा है समझा उसे प्रैक्टिकल करना एज ए एक्सपीरियंस, तो दोनों चीज़ जरूरी होती है। अपन सोचते खाली एजुकेशन जरूरी नहीं, खाली एक्सपीरियंस नहीं, एजुकेशन एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी, दोनों चीज़ जरूरी एक साथ जुड़ी हुई है। एजुकेशन होगा फिर आप एक्सपीरियंस होगा तो आप अच्छे तरीके कर पाओगे। विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट एजुकेशन कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। मेरा सेल्स का काम है तो हमें टाइम की थोड़ी दिक्कत आती है, कभी हम बिजी शेड्यूल, फिर भी हम शेड्यूल में फैमिली को भी देखना पड़ता है, फिर भी हम मुझे साइकिलिंग का शौक है, तो मैं पीछे घर के पीछे रानी रोड एरिया है, हम साइकिलिंग अच्छी करते हैं, हमारे दोस्तों साथ साइकिलिंग करता हूँ मैं आज भी। थैंक यू एवरीवन, आपने मेरी कहानी सुनी, वर्क मोब है आपको अच्छा लगा, वर्क मोब ने मेरे को समझा, मेरी कहानी सुनी, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप भी वर्क मोब से जुड़िए, इंस्पायर होइए, आप भी अपनी कहानी डालिए और वर्क मोब से जुड़िए, फॉलो कीजिए सर मेरे को। थैंक यू वर्क मोब। अगर आपको सेल्स रिकॉर्डिंग शॉप चाहिए, ब्रांडेड शोरूम वगैरह चाहिए, फ्लैट सर्विस अपार्टमेंट किसी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, कुछ भी इंक्वायरी तो बताइए, हम आपके हर इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे सर।